और कोलकाता मर्डर और रेप को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से अब एक अहम खबर सामने आई है। ये बताया गया कि 8 अगस्त को आरोपी संजय राय दोपहर से ही टारगेट की तलाश में था। शाम को शराब पीकर वो अपने दोस्त वॉलंटियर सौरभ के साथ रेड लाइट एरिया सोनागाछी और कालीघाट गया, फिर सौरभ के साथ संजय आरजी कर अस्पताल गया। वहाँ अस्पताल के बाहर और फिर अंदर टारगेट की तलाश की, फिर टहलते हुए वो सेमिनार हॉल की तरफ गया जहाँ उसे महिला डॉक्टर अकेली सोती हुई मिल गई। उसने जाते ही महिला डॉक्टर का गला दबा दिया। इस बीच महिला डॉक्टर ने अपने बचाव की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। महिला डॉक्टर के बेहोश होने के बाद संजय ने उनके साथ बलात्कार किया और करीब 40 मिनट के अंदर ही वो वारदात को अंजाम देकर निकल गया। लेकिन संजय अपना ब्लूटूथ वहीं भूल गया उस दिन, और क्या क्या हुआ था इसकी जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मेडिकल छात्रा के साथ रेप और हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस के टॉप सोर्सेज ने NDTV को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि आखिर 8 और 9 अगस्त को क्या कुछ हुआ था, कैसे ये पूरी घटना हुई और कैसे आरोपी पकड़ा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 8 अगस्त की दोपहर से ही संजय एक टारगेट की तलाश कर रहा था, यानी कि किसी महिला की तलाश कर रहा था। इसके बाद शाम को उसने अपने दोस्त सौरभ, जो कि एक सिविल वॉलंटियर है, उसके साथ में शराब पी, और शराब पीने के बाद दोनों कोलकाता के दो रेड लाइट इलाकों, जिसमें एक सोनागाछी है और दूसरा कालीघाट है, वहां पर गए। इसके बाद सौरभ ने एक महिला के साथ संबंध बनाए, जबकि जो संजय है वो वहां पर नाकाम रहा, वो फ्रस्ट्रेट था और निराश था। उसने ये बात अपने दोस्त सौरभ से भी कही। फिर दोनों वहां से निकले और रास्ते में आरोपी संजय ने एक महिला के साथ में छेड़खानी की। इसके बाद वो अस्पताल पहुंचा और आरजी कर मेडिकल अस्पताल में, कॉलेज में, वो अस्पताल के बाहर तीमारदार या कोई महिला हो उसकी वो तलाश करने लगा। लेकिन उसको लगा कि अगर बाहर उसने वारदात को अंजाम दिया तो शोर मच जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। इसके बाद वो अस्पताल के अंदर गया, जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर उसने डॉक्टर या नर्स की तलाश की जो कि अकेली हो, लेकिन वहाँ पर उसे ऐसी कोई महिला नहीं मिली जो कि अकेली हो। उसके बाद वो घूमते हुए फिर जो सेमिनार हॉल है वहाँ पर गया और वहाँ पर उसको महिला डॉक्टर सोती हुई मिल गई। इसके बाद जाते ही उसने सबसे पहले महिला डॉक्टर का गला दबाया। पुलिस के मुताबिक जो संजय है वो बॉक्सर रहा है और उसको ये मालूम था कि कहाँ पर गला दबाने से महिला बेहोश हो सकती है या फिर मर सकती है। महिला डॉक्टर ने अपने बचाव के लिए काफ़ी कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। बेहोश होने के बाद संजय ने महिला के साथ में रेप किया और वहाँ से निकल गया, लेकिन जाते जाते उसका जो ब्लूटूथ था वो वहीं पर छूट गया। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने अस्पताल में लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी, जो ड्यूटी के उस वक्त ड्यूटी के दौरान डॉक्टर थे, नर्सेस थी, स्टाफ था, उनकी लिस्ट तैयार की, पूछताछ की, लेकिन CCTV में उनको संजय जो है वो संदिग्ध के तौर पर दिखाई दिया जाता हुआ और फिर बदहवास हालत में आता हुआ। इसके बाद पुलिस ने जो संजय है उस संजय की पहचान आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जो पुलिस चौकी है वहाँ पर तैनात पुलिसकर्मियों ने की, और फिर संजय को उसके बैरक से पकड़ा गया। संजय से पूछा गया कि क्या वो इस वारदात में शामिल है, उसने मना कर दिया। फिर उससे कहा गया कि क्या आप गाने सुनते हैं, उसने कहा हाँ सुनते हैं। उसके बाद उसका ब्लूटूथ उसे दिखाया गया, उसने मना कर दिया कि ये ब्लूटूथ मेरा नहीं है। इसके बाद संजय के ब्लूटूथ की जो MAC ID है वो उसके मोबाइल में खोजी गई और उस मोबाइल में उसकी हिस्ट्री में, जो ब्लूटूथ की हिस्ट्री होती है, वहाँ पर उसकी MAC ID मिल गई, यानी कि संजय उस ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहा था और यहीं से संजय पकड़ा गया। इसके बाद संजय का जो ब्लूटूथ था वो ऑटोमेटिक संजय के मोबाइल से कनेक्ट हो गया। पुलिस ने संजय का मोबाइल सीज कर लिया जिसमें हिस्ट्री मिली, और हिस्ट्री जो सर्च हिस्ट्री थी उससे ही मालूम चला कि संजय हर रोज़ जो पॉर्न वीडियोज़ हैं वो देखता है। सैकड़ों पॉर्न वीडियोज़ की हिस्ट्री उसके मोबाइल में मिली, और हिस्ट्री भी अलग थी, अजीब हिस्ट्री थी, जिसमें बहन भाई के साथ सेक्स कैसे करती है, ये सारे पॉर्न, इस तरह के जो पॉर्न वीडियोज़ हैं वो देखता था। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद भी संजय के मन में कोई शिकन नहीं थी, उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था, और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और ये पूरा मामला सुलझाया गया। हालांकि आगे की जांच
सीबीआई कर रही है कि क्या इसमें कॉन्स्पिरेसी है या ये मामला गैंगरेप का है, इसको लेकर आगे की जांच सीबीआई कर रही है। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।